नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर आज यह मेरा तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, जिसका समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है 1375 से 1700 संवत। इसके बारे में हम इनका जो प्रकरण एक है तो इसका हम सामान्य परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को अथवा पूर्व मध्य काल को दो भागों में विभाजित किया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, है ना, तुलसीदास और सूरदास। इसी प्रकार उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी धारा जो है जिसे हम कहते हैं संत काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और प्रेमाश्रयी इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो सबसे पहले उन्होंने चालू किया है यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का उन्होंने वर्णन किया है और परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आइए हम देखते हैं। ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी जहां से उन्होंने लिखना चालू किया है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां अलग टाइप की थी क्योंकि उस समय राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे और उस समय जो चारण होते थे उनकी वीरता का गायन किया करते थे। लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे जो राजपूत शासक कमजोर होते चले गए, जो भारतीय जो शासक थे कमजोर होते चले गए, मुसलमानों ने आक्रमण किया और देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदू जनता के मन में कोई गर्व की भावना नहीं रह गई, खुद के प्रति गौरव गर्व उत्साह के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। इसके बाद उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उनका कहना था कि जब देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो बहुत ज्यादा संख्या में मूर्तियों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं के जो धार्मिक आस्था के केंद्र हुए करते थे जो मंदिर और जो मूर्तियां उनको तोड़ दिया गया और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा साधु संतों का। लेकिन भारतीय जनता कुछ कर नहीं पा रही थी, हिंदू जनता, तो ऐसी दशा में ना तो वे अपनी वीरता के कुछ वर्णन कर पा रहे थे, ना कोई चारण जैसे वीरता के गीत लिख पा रहे थे और ना ही लज्जित हुए बिना कुछ सुन पा रहे थे। तो ऐसी जब पूरी जो हिंदू संप्रदाय था या फिर हिंदू जाति थी पूरी तरह से हताश और निराश हो गई थी, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश हो जाता है तो वह ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये जो हिंदू संप्रदाय था वो क्या है, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर उनका ध्यान वहां पर चला गया। हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यदि भारत में मुसलमानों का आक्रमण ना हुआ होता तब भी ये जो भक्ति काव्य है वह वैसा ही प्राप्त होता जैसा आज हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अब देखते हैं धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी भाव से वह विकलांग रहता है। मतलब धर्म के तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कर्म ज्ञान और भक्ति, और इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म चलता है, अपनी सजीव और वास्तविक दशा को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें से यदि धर्म में किसी का विभाव होता है तो धर्म क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है, मतलब धर्म में यदि कर्म शामिल नहीं है तो लूला लंगड़ा हो जाता है। अच्छी अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी हुई है लेकिन यदि उसको हम कर्म में लेकर नहीं आते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान के बिना अंधा, कोई धर्म ऐसा है जिसमें ज्ञान ही नहीं है, धर्म बस कर्म कांड वगैरह है लेकिन ज्ञान उसमें नहीं है तब भी वह अंधा है। और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण ही रहता है, और यदि उसमें भक्ति ना हो, और यदि क्या है उसमें भक्ति ना हो, भक्ति तो मुख्य चीज है और भक्ति के बिना क्या होगा कोई धर्म, किसी धर्म में यदि भक्ति ना हो तो हृदय विहीन ही नहीं बल्कि वह निष्प्राण ही हो जाता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यह कहना है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा कुछ कुछ निबंधों की तरह। यहां पर कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बद्ध चला आता था। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। तो जो कर्म और भक्ति होती है, जो कर्म और भक्ति क्या है, जन समुदाय में हमेशा से विद्यमान होती है, वही उनकी मूल शक्ति है। हिंदी साहित्य के जो आदि काल है उसमें कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान के ऊपर आधारित था। अर्थ शून्य मतलब उस समय जो सिद्ध और नाथ जो हुआ करते थे तो वो तो कुछ भी करते थे, अपना कर्म कांड बनाकर रखे हुए थे, तीर्थाटन बनाकर रखे हुए थे, पर्व स्नान इत्यादि बनाकर रखे थे, इस तरह से उनका कोई मतलब था नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। लेकिन धर्म की भावात्मक अनुभूति को क्या कहते हैं? धर्म को जब हम भावना का विषय बना लेते हैं, उसको अनुभूति को हम भावना का विषय बना लेते हैं, तो वह भक्ति बन जाती है धर्म को। और इसका शुरुआत कब हुआ था? महाभारत काल में हुआ था, और बाद में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित कब हुआ? प्रवर्तित पुराण काल में हुआ। तो कभी यह कम हो जाती कभी ज्यादा हो जाती, इस प्रकार यह भक्ति की भावना पहले से चली आ रही थी। अचानक से भक्ति की भावना ने जन्म नहीं लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा था, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो प्राय परीक्षाओं में आता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, गोरख जगायो जोग, गोरखनाथ के ऊपर उन्होंने कहा है, जो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ है। गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। जिस समय मुसलमान भारत में, यह सब मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूं, पूरे किताब को यहां पर मैंने नहीं डाल दिया है, सिर्फ जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, क्योंकि आजकल कार्य कारण संबंध वाले प्रश्न आने लगे हैं, है ना, कथन या फिर कारण। कोई कथन दे देगा फिर उसका सही कारण है कि नहीं, या दो कथन दिए जाएंगे दोनों कथन सही है कि नहीं, कि एक गलत है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है, एक सही है दूसरा गलत है, इस टाइप का, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, वह यहां पर स्थापित हो गए, तो उस समय क्या, जो सच्ची धार्मिक भावना थी उसका ह्रास हो गया था, पतन हो गया था, और इसमें परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। तो उस समय जो भक्त कवि हुए, जिनको जनता के नब्ज की पकड़ थी, और जो जानते थे कि उस समय किस चीज की आवश्यकता है, मतलब भारतीय जनता में, हिंदू जनता में, उनके जो पौरुषहीन, जो अपने आप को महसूस कर रहे थे, जो बिल्कुल निराश और हताश महसूस कर रहे थे, उनमें उत्साह और उमंग की भावना जगाने के लिए, उनकी दबी हुई भक्ति के जगाने के लिए वे अपना प्रयास करने लगे। भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति की जो शुरुआत है दक्षिण भारत से हुई थी, बाद में इसमें एक आप बार बार पढ़ते भी होंगे, भक्ति द्रावण युग जी लाए रामानंद करके, तो भक्ति का जो स्रोत है कहां जन्म लिया था, इसने दक्षिण भारत में जन्म लिया था, और धीरे धीरे यह उत्तर भारत की ओर आ रहा था बहते हुए, भक्ति का जो स्रोत है। तो जब राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, भारतीय जनता का जो हृदय था उस समय भक्ति से शून्य हो गया था, तो उसमें उसको बहने के लिए और विकसित होने के लिए पर्याप्त मौका मिला। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य जी की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति आंदोलन में। रामानुजाचार्य, जिनका समय है संवत 1073, ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। रामानुजाचार्य जी की जो भक्ति है वह सगुण भक्ति कहलाती है, और इसकी ओर जनता बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही थी। इसी प्रकार गुजरात में एक महान संत हुए थे स्वामी मध्वाचार्य जी। इनका समय काल है संवत 1254 से 1343, विक्रम संवत है। इन्होंने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। द्वैतवाद, द्वैतवाद बोला जाता है मध्वाचार्य जी के संप्रदाय को। इसकी तरह भी बहुत सारे लोगों का झुकाव हुआ। सब परीक्षा के प्रश्न है। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम की संगीत गूंजती चली आ रही थी, गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। यह उस समय की पृष्ठभूमि है भक्ति काल की। उस समय क्या क्या हो रहा था? तो देश के जो पूर्वी भाग है,
मिथिला वगैरह तरफ, पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश तरफ। तो देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी, जो जयदेव का गीत गोविंद आप जानते होंगे, गीत गोविंद की गूंज चली आ रही थी। और इसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और विद्यापति ने अपनी पदावली किसमें लिखी है? मैथिली भाषा में लिखी है ना। इन्हें कहा जाता है मैथिल कोकिल या फिर अभिनय जयदेव। तो ये उनके रंग में रंग गए, ये भी उनके गीत गाने लगे कृष्ण प्रेम के। इसके बाद मध्य या उत्तर भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। ठीक है, तो जो रामानंद होते हैं, जो रामानंद जिन्होंने सगुण भक्ति, भगवान राम की भक्ति पर जोर दिया, ये किनकी शिष्य परंपरा में आते थे? रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते थे। रामानुजाचार्य इनसे 14 वो ऊपर थे, है ना। इनकी जो परंपरा थी उसमें 14 लोग और थे इनके ऊपर में, जिन्होंने विष्णु के, जो भगवान विष्णु के जो अवतार है राम भगवान, इनकी उपासना पर जोर दिया रामानंद जी ने, और एक बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा किया। और दूसरी बार वल्लभाचार्य जी ने, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, इन्होंने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। तो इस प्रकार राम भक्ति धारा रामानंद से प्रभावित हो गई, और जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे वल्लभाचार्य जी से प्रभावित हो गए। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। ये तो सगुण भक्ति धारा के बारे में बात चल रही है। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। अभी हमने देखा सगुण भक्ति धारा, जिसके दो भाग हो गए थे, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा रामानंद की शिक्षाओं से प्रभावित है, कृष्ण भक्ति धारा वल्लभाचार्य जी के शिक्षाओं से प्रभावित है। इसके बाद एक मुसलमान यहां पर आ गए थे बहुत बड़ी संख्या में, तो मुसलमान और हिंदुओं दोनों को साथ लेकर चलने वाली एक और भक्ति धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसे कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा, और जिसके दो भाग हैं, जिसमें संत काव्य धारा है ना, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। इसे कहा जाता है सामान्य भक्ति मार्ग। वज्रयान के अन्यायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका स्वाभाविक असंतोष स्वाभाविक था। जो सिद्ध संप्रदाय है वह किस पर आधारित था? जो वज्रयान है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान। तो जो सिद्ध थे या फिर जो वज्रयानी थे, अधिकतर नीची जाति के थे। उस समय समाज में जो नीची जाति के माने जाते थे उनके उसमें से आते थे, इसलिए जाति पाति की जो व्यवस्था थी इनके प्रति इनके मन में बहुत ज्यादा असंतोष था, सिद्धों में, वज्रयानियों में। और इसमें मतलब ज्यादा ज्ञानी लोग नहीं थे, नीची जाति के लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं थे उस समय, संस्कृत के जानकार वगैरह नहीं थे वो लोग। और नाथ संप्रदाय में भी क्या, शास्त्रक विद्वान नहीं आते थे, शास्त्रों के जानकार संस्कृत पढ़े हुए लोग नाथ संप्रदाय में भी नहीं थे। नाथ संप्रदाय के कनफटे रमते योगी, नाथ संप्रदाय के योगी अधिकांश ये नाथ संप्रदाय में योगी लोग थे। और ये क्या थे? घर के भीतर के चक्रों, शरीर के भीतर जो चक्र होता है, सहस्त्र दल, कमल, इला, पिंगड़ा, नाड़ियों इत्यादि को संकेत करने वाली रहस्यमय बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक जनता पर जमाए हुए थे, सामान्य जनता पर। तो जो नाथ संप्रदाय के लिखते भी ज्ञानी को विद्वान नहीं थे, शास्त्र पढ़े हुए लिखे लोग। ये अपने कान को ऐसे बहुत बड़ा छेद करवाकर उसमें कुंडल वगैरह पहनते थे और विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाते थे, और योग की शब्दावली का प्रयोग करते थे कि शरीर में मतलब योग की विभिन्न जो चक्र हैं, सहस्त्र दल हैं, इनको कैसे जागृत करना है। और इस प्रकार सामान्य जनता में अपनी धाक जमाए हुए थे, बहुत ज्यादा इनको फॉलोअर थे। इस प्रकार भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी के उत्तर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्यता साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। तो इस प्रकार दक्षिण से भक्ति की जो भावना उत्पन्न हुई थी धीरे धीरे भारतीय उत्तर भारत तक आ गई थी, और इस समय उसको अनुकूल अवसर प्रदान हुआ, अनुकूल अवसर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। नाथपंथी भी क्या अंतर साधना का मार्ग था, अंदर की साधना का मार्ग इन्होंने प्रवर्तित किया था, लेकिन यह हृदय पक्ष से शून्य था, उसमें कोई भावना ही नहीं थी, बहुत कठिनता थी, बहुत कड़ाई थी। जो नाथ जो होते थे योगी, बहुत ही इनका काम बहुत कठिन टाइप का था, आम जनता की समझ से बाहर का था, और सिद्ध लोग तो उनका अलग ही चलता था। सिद्ध लोग तो प्राय मांस, मदिरा, मैथुन इन सब में बिजी रहते थे। तो इस प्रकार परिस्थितियां इस टाइप की थी उस समय। सिद्धों की साधना अलग टाइप की थी और इनकी साधना अलग टाइप की थी नाथों की, यद्यपि दोनों ही वज्रयान से प्रवर्तित हुए थे।
महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, इनका समय है, उन्होंने महाराष्ट्र देश लिखा है, जो आज हमारे लिए प्रदेश है, उन्होंने देश लिखा हुआ है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव सवा 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। इस प्रकार वास्तव में जो सामान्य भक्ति मार्ग निर्गुण पंथ का कौन लेकर आया था, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, महाराष्ट्र के भक्त कवि नामदेव लेकर आए थे निर्गुण पंथ को, लेकिन वास्तव में इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कबीरदास जी ने, निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास जी, लेकिन इसके जो शुरुआत इन्होंने किसने किया था, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव से, उसको ही कबीरदास जी ने आगे बढ़ाया था। हालांकि कबीरदास जी को निर्गुण पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर के लिए नाथपंथी जो भी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे, मतलब कबीरदास जी ने बहुत सारे इला पिमला इत्यादि कहां से लिया है, नाथपंथियों से लिया है, बहुत सारे शब्दावली, बहुत सारे संदेश वहां से लिए हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बातें सुनी उसी को अपने बानियों में व्यक्त किया। इन्होंने स्वयं कुछ ग्रंथ नहीं लिखा है, इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी बानियों का संकलन किया, धर्मदास जी ने इनके जो शिष्य थे कबीरदास जी के, और कबीरदास जी के वाणियों का जो संकलन है साखी शबद रमणी कहा जाता है, बीजक कहा जाता है उसको, है ना, कबीरदास जी के जो वाणियों का संकलन उसे कहा जाता है बीजक। बीजक का संकलन किया है उनके शिष्य धर्मदास ने, उसमें साखी शबद रमणी तीन भाग है। नाथपंथियों के अंतर साधना हृदय पक्ष सुनी थी, मतलब नाथपंथी जो साधना करते थे अंतर की साधना, अंदर की साधना हृदय, उसमें हृदय पक्ष मतलब भावनाओं का अभाव था, उसमें प्रेम तत्व नहीं था, बहुत रूखा रूखा था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, ये पर यह बात उन्हें खटकी, मतलब उनमें कोई इमोशन और फीलिंग्स नहीं थे, नाथपंथी लोग बहुत रूखे सूखे इनकी भावना थी, तो कबीरदास जी ने इसको महसूस किया और इसलिए उन्होंने अपने अपनी जब बात रखी तो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से रखी, जिसमें लोगों की भावनाओं को भी सम्मान दिया गया। भले उन्होंने नाट फटकार लगाई लेकिन बहुत ही इमोशनल बातें भी उन्होंने कही। नाथ संप्रदाय में कनफटे योगी हुए, नाथ संप्रदाय के योगी कैसे हुए थे, कान में बड़े बड़े छेद कराकर कुछ पहनते थे, कुंडल वगैरह, है ना, कान फटा हुआ रहता था उनका, छेद करवाए रहते थे, अब उनकी साधना का अंग रहा होगा। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है ना, निराकार ईश्वर के लिए इन्होंने कहां से लिया था, अद्वैत भारतीय वेदांत से लिया था, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया, क्योंकि अधिकांश जो सूफी कवि थे मुसलमान थे, और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। और इस प्रकार इन्होंने, कहने का तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि कबीरदास जी में कोई मौलिकता नहीं थी, कुछ उन्होंने कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से, सर्वश्रेष्ठ चीजों का उन्होंने इकट्ठा किया और अपनी वाणियों में उसको स्थान दिया। तो भारतीय वेदांत से निराकार ईश्वर ले लिया, और ईश्वर की जो भक्ति होती है, जो प्रेममय भक्ति होती है ईश्वर के प्रति, जैसे माया को विरहिणी या पत्नी का दर्जा दिया जाता है, और परमेश्वर को पति, इस प्रकार या प्रेमी का दर्जा दिया जाता है, इन्होंने सूफियों से लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला और निर्गुण पंथ का इन्होंने प्रचार किया। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य संपन्न हुआ। तो इस प्रकार बहुत सारी जनता है जो उस समय नाथ पंथियों के बहुत ज्यादा प्रभाव में थी, और उनका हृदय भी, उनके हृदय में प्रेम भाव नहीं था, भावना का भाव था, भावनाहीन होता जा रहा था, उसको उन्होंने अपनी ओर मोड़ा और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही आवश्यक कार्य संपन्न किया, उनके अंदर भावना जगाया। इसके बाद यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कबीरदास जी का। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो अधिकांश जो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हैं सभी नीची जातियों से आए हुए हैं, कोई जुलाहा है, कोई और कुछ है, इस तरह कबीरदास जी जुलाहा थे, रैदास जी कुछ और थे, इस तरह से उन्होंने अलग अलग धर्मावलंबी थे जो नीची जाति के माने जाते थे। तो इस प्रकार के जो कवि थे निर्गुण भक्ति धारा के, उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाग जगाया और भक्ति के ऊंचे सोपानों के लिए, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में, अंतर साधना में हृदय की साधना, अंदर की साधना, भीतर की साधना में रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति मतलब प्रेम में भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, और ज्ञान का युक्त तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहां थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। तो कर्म की दशा मतलब जैसे नाथपंथी थे
उनके जिस प्रकार के रिचुअल वगैरह कर्म कांड रहे होंगे उसी को इन्होंने फॉलो किया, तो इनकी भक्ति में भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ लेकिन कर्म अभी भी वैसे ही रहा जैसे नाथों के यहां था। तो इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप तो थे, ज्ञान के केंद्र में थे, प्रेम के केंद्र में थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, ठीक है ना, धर्म की कोई भावना नहीं थी उसमें, सगुण निर्गुण सगुण जिसको बोलते हैं, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय व्यक्ति लोक की रक्षा और अंजन में होती है। यहां धर्म स्वरूप से तात्पर्य सगुण भक्ति से है, भगवान के सगुण साकार रूप की जो पूजा से उसे यहां पर इसका मतलब है। तो वास्तव में ईश्वर का जब धर्म स्वरूप हो जाते हैं तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है, ईश्वर का जिसकी रमणीय व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति कैसे हो पाती है, लोक की रक्षा और रंजन में होती है। जैसे राम काव्य धारा है तो भगवान राम का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था दुनिया में, लोगों की रक्षा करने के लिए और उसके बाद लोगों में आनंद का सृजन करने के लिए, लोगों में भावनाएं जगाने के लिए, आनंदित करने के लिए। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी, मतलब राम भक्ति शाखा का मुख्य कार्य क्या है, यहां पर जो भगवान राम का स्वरूप है वो लोक रक्षा का है और लोक रंजन का है, लोगों को लोगों की रक्षा करना और उनके जीवन में खुशी आनंद उल्लास का सृजन करना। और जबकि कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा केवल प्रेम को ही महत्व देता है और यह केवल रोमांस को ही महत्व देता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में क्या अंतर है, ठीक है ना। राम काव्य धारा में लोक रक्षा और लोक रंजन दोनों है और कृष्ण भक्ति धारा में केवल रंजन ही रंजन है, प्रेम ही प्रेम है, रोमांस ही रोमांस है। जबकि वहां पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और लोगों की सुख सुविधाओं खुशी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन यहां पर केवल खुशियां ही खुशियां हैं। साधना के जो तीन अवयव होते हैं, साधना के जो तीन तत्व होते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, वे सब काल प्रकार दोषग्रस्त हो सकते हैं, मतलब समय के आधार, समय जैसी परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों के कारण इनमें कोई दोष हो सकता है। जैसे कर्म है, वो यदि ऐसा कर्म किया जाता है जिसका कोई तात्पर्य, जिसका जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो वह अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है। यदि कोई ऐसा कर्म कांड करते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो वह बेकार है। वैसे ही ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रियोपभोग की भावना से कलुषित हो सकती है। तो जो ज्ञान रहस्य है और गुह्य की भावना है, रहस्य भावना है, वह भी क्या है, पाखंडपूर्ण हो सकता है। लेकिन और भक्ति भी क्या क्या हो सकती है, भक्ति के दामन में भी दाग लग सकता है, वासना से कलुषित हो सकती है। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसे होती है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। मतलब भक्ति का जन्म कैसे होता है, जब श्रद्धा और किसी के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं और उसके प्रति प्रेम भी रखते हैं, इन दोनों के मिलन से क्या भक्ति का जन्म होता है। जहां श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम क्या है, मतलब जैसे हम किसी प्रति श्रद्धा नहीं रखते केवल प्रेम ही रखते हैं, और जब खाली प्रेम रखेंगे तो क्या होगा, वहां पर विलासिता जन्म ले लेगी। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति केवल हम उसको प्रेम करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो प्रेम क्या है, वासना का रूप ले लेता है। कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। तो ज्ञान पक्ष मतलब इसमें रहस्य है और गुह्य की भावना, यह भी रहस्य, इसका तात्पर्य रहस्य, इससे विकृत मिलेगा। पर सूफियों से जो उन्होंने प्रेम तत्व लिया, वह सूफियों के यहां चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण प्रंत में अविकृत रहा, यानी संदेह प्रशंसा की बात है। तो इनके जो ज्ञान पक्ष में और रहस्य की जो भावना है वह क्या है, विकृत हो सकता है, लेकिन इनका जो प्रेम तत्व है जो इन्होंने सूफियों से लिया है, या पूरी तरह से इसमें कोई दोष नहीं है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने असली विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। और जो वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा थी, जिसके संस्थापक पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, इनके जो अनुयायी थे, तो वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने क्या ले ली, केवल रोमांस को ले लिया भगवान कृष्ण के, और इसी के कारण उसमें कुछ कुछ अश्लीलता भी आ गई। जैसे जयदेव का गीत गोविंद है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आजकल आध्यात्मिकरण के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे जयदेव के गीतों में उन्हें क्या है आध्यात्मिक रंग दिखाई देता है, वैसे उनको विद्यापति है ना, मैथिल कोकिल, उनकी रचनाओं में भी, पदावली में भी उनको आध्यात्मिकता का रंग दिखाई देता है। तो वास्तव में यहां पर इन्होंने जो कृष्ण भक्ति धारा के जो काव्य है उस पर अश्लीलता का आरोप किया है, आरोप लगाया है। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, सर्वांगपूर्ण मतलब राम भक्ति शाखा सभी चीजों को लेकर चली, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसीदास की
भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इसलिए तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है, समन्वयवादी कवि कहा जाता है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेतना है, सभी चीजों का उन्होंने समन्वय किया है, इसलिए उनमें सभी चीजों का धर्म का ज्ञान का सबका पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। और भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर, यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो तो हाँ अभी तक हमने देखा सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में राम और कृष्ण उनके आराध्य हैं, लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा है वह एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ मुसलमानों की तरह, और कभी कभी इसमें ब्रह्मवाद भी शामिल हुआ, ब्रह्म की जो धारणा है भारतीय संस्कृति की, और कभी कभी जो पैगंबर है जो खुदा है उनके तरफ भी यह कभी कभी लुढ़कता था। इस प्रकार यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब निर्गुण पंथ में दो चीजों का सामंजस्य है, ब्रह्मवाद का और पैगंबरी खुदावाद का, निर्गुण पंथ इन दो चीजों से मिलकर बना है। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। निर्गुण भक्ति धारा लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई। इसका कारण यह था कि इसमें ऊंच नीच की भावना को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और ईश्वर की भक्ति के लिए सिर्फ मनुष्य होना ही पर्याप्त था और सबका बराबर अधिकार था ईश्वर को प्राप्त करने का। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ, और इस प्रकार की भक्ति मार्ग की शुरुआत, रामानंद जी ने भी भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया था, नामदेव जी ने भी सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया था, कोई छुआछूत ऊंच नीच की भावना नहीं थी, और इसलिए नामदेव जी और रामानंद जी का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति आंदोलन में। महाराष्ट्र के जो संत हुए नामदेव, इनका समय काल था संवत 1192 और मृत्यु काल था, इनका जन्म काल हुआ था 1192 में विक्रम संवत में, मृत्यु हुई थी 1272 प्रसिद्ध है। यह दक्षिण के नरूसी बमनी अर्थात सतारा जिला के दर्जी थे, दर्जी मतलब ये भी छोटी जाति के थे इनके हिसाब से। पीछे पंढरपुर के बिठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिल बिताते थे। पंढरपुर में भगवान विष्णु भगवान का एक मंदिर है बिठोबा मंदिर, तो वहां पर भगवत भजन करते थे नामदेव जी, इनके भजन बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव जी का नाम सबसे पहले आता था, और वास्तव में इन्होंने ही निर्गुण पंथ को वास्तव में जन्म देने वाले यही थे जन्मदाता, लेकिन उनके जो प्रवर्तक हुए कबीरदास जी माने जाते हैं। हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से, मतलब आज भक्ति काल की हम जो रचनाओं को देखते हैं कुछ रचनाएं तो सगुणोपासना से संबंधित है और कुछ निर्गुणोपासना से संबंधित है। नामदेव के समय में एक प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया, ये दोनों समकालीन थे। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ, पर नामदेव इनके उपरांत भी बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। अब देखिये नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए। नामदेव तो सगुण भक्ति मार्ग में चल रहे थे, लेकिन इनके गुरु बोलते थे कि नहीं आप इधर आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ नाथ पंथ की तरफ, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। तो ये जो ज्ञानदेव थे उनको बोलते थे कि निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, है ना, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, अंदर की साधना करो, तो ये उनको प्रभावित करना चाह रहे थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने हृदय के स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु हुए न ज्ञान समझाते आते थे। ज्ञानदेव उन्हें कहते थे कि नामदेव तुम कितना भी प्रयास करो लेकिन बिना गुरु के तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में नामदेव जी क्या है, किसी गुरु से कोई दीक्षा नहीं लिए थे, अपने स्वतः अपने अंदर की भावना से वे सगुण भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हुए थे, स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। लेकिन बार बार जब इन्होंने प्रेरित किया तो क्या किया मजबूरी में इन्होंने, नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे सन्यासी से दीक्षा ली थी। उनके इसके संबंध में उनके ये वचन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले वचन है नामदेव जी के, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। तो ये पंक्तियां आती है परीक्षा में, सब सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विकार विचार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। इसके बाद किसु हूं पूजू दया नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हमारी की सेव। ये पंक्तियां मैं इसलिए यहां पर लिख दिया हूं कि परीक्षा में पूछा जाए तो आपसे बन जाए। इसके बाद नामदेव जी की भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों का वर्णन किया गया है, तो नामदेव जी की भक्ति के संबंध में कुछ चमत्कारिक बातें लिखी हैं।
जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, भगवान की मूर्ति को इन्होंने दूध पिलाया था अपने हाथ से, उन्होंने पिया भी था ऐसा कहा जाता है। अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि, दरवाजे पर खड़े थे तो मूर्ति इनकी तरफ घूम गई, इस प्रकार। तो चमत्कार पूर्ण बातें हैं। सगुणोपासक जो भक्त होते हैं, सगुणोपासक मतलब राम कृष्ण धारा कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, ये भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। तो वास्तव में जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि है, निर्गुण रूप को मानते भी तो है लेकिन वास्तव में भक्ति के लिए सगुण रूप को ये स्वीकार करते हैं। भगवान राम की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, इनकी पूजा करना इनको पसंद है, और बोलते हैं कि निर्गुण मार्ग है ये ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं। ज्ञान मार्गी जैसे कबीर जैसे हमारे कवि हुए हैं, जिन्हें हम संत काव्य धारा कहते हैं। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। अब नामदेव इनकी जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित जो काव्य है, इन्होंने किसमें लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है, जो समय पारंपरिक काव्य की भाषा थी। और निर्गुण जो वाणी थी, निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहित खड़ी बोली या तदुकड़ी भाषा है। सगुण भक्ति पद किसमें लिखे नामदेव ने? ब्रज भाषा में लिखे हैं, जो परंपरा पारंपरिक काव्य भाषा थी। और जो निर्गुण वाणी है उसको किसमें लिखा है? नाथ पंथियों की जो भाषा थी, खड़ी बोलिया सदुकड़ी कहा जाता है, उसमें इन्होंने लिखा है। अब ये निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर थे। वास्तव में किसे माना जाता है? निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक कबीर दास जी को, जिन्होंने एक और स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की। कबीर दास जी रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने भारतीय अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है, जिसमें यह माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों से संस्कार प्राप्त किए, मतलब नाथपंथी योगियों का भी इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, नाथपंथियों का, जहां इला पिंगला इत्यादि इन्होंने उनसे लिया है, नाथपंथियों से उनकी भाषा भी ली है, सदुकड़ी भाषा इत्यादि उनसे ही ली है इन्होंने, वाणी वगैरह सब उन्हीं से लिया है, और सूफी संस्कारों से संस्कार प्राप्त किए। सूफी फकीर कैसे थे? जो अपनी आत्मा को प्रीतम प्रेमिका मानते थे सूफी फकीर, और ईश्वर को क्या मानते थे? अपना प्रेमी मानते थे या पति मानते थे। यह संस्कार उन्होंने प्राप्त किया सूफियों से। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। वास्तव में निर्गुण पंथ पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? नाथ पंथी योगियों का प्रभाव पड़ा और भक्त नामदेव का प्रभाव पड़ा। तो निर्गुण पंथ, कबीरदास जी ने जिस निर्गुण पंथ का प्रवर्तन किया वो कहां से आया था? उस पर किसका प्रभाव था? नाथ पंथ के योगियों का प्रभाव था और भक्त नामदेव का प्रभाव था। वैष्णव से कबीरदास जी ने क्या लिया? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। ये प्रपत्तिवाद क्या है देखना पड़ेगा इंटरनेट में, ठीक है। इसी से उनके साथ उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है। जो वैष्णव धर्म था, जो भगवान विष्णु के उपासक थे साकार रूप के, तो वहां से इन्होंने अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिया था, इसीलिए निर्गुणवाद वाले दूसरे जो संतों के वचनों में भारतीय अद्वैतवाद की झलक दिखाई देती है। भारतीय अद्वैतवाद मतलब बता चुका मैं आपको, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र के, नाथपंथी जो योगी थे उनके जो नाड़ी चक्र थे, इला पिंगला इत्यादि क्या कहते, वहीं सूफियों के प्रेम तत्व, सूफियों से उन्हें प्रेम तत्व लिया, और पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। तो कबीर दास जी ने कहां से क्या लिया, निर्गुण भक्ति धारा ने कहां से क्या लिया, इसका पूरा यहां पर उल्लेख किया गया है। सूफियों से प्रेम तत्व लिया और पैगंबरी कट्टर खुदावाद लिया, मतलब ईश्वर एक है ना और सबसे बड़ा है, यहां ये सब चीजों को सुन लिया। भारतीय अद्वैतवाद से भी इन्होंने अपने विचारों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार यहां पर कोई मौलिकता नहीं है, इनके हिसाब से अलग अलग जगह से उन्होंने अच्छी चीजों को उठा लिया है। अतः तात्विकता से न तो हम इन्हें अर्थात कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, इन्हें हम पूरी तरह अद्वैतवादी नहीं कह सकते, जैसे शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही गई है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, जो एक है, द्वैत मतलब दो। और न एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी कौन है? मुसलमान लोग हैं, है ना, मुसलमान एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने, आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों का सामंजस्य है इनमें, है ना। वास्तव में कबीरदास जी का जो पालन पोषण हुआ था मुसलमान दंपति ने किया था, नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति थे, जो मुसलमान थे जिन्होंने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया था, नीरू और नीमा ने, उनके यहां इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन ये रामानंद के शिष्य थे तो हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था, कभी कभी तिलक भी लगाते थे। तो देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही।
तो देखिए इतना लंबा कालखंड था इसका, जो विक्रम संवत है 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर मतलब लगभग 200 वर्षों तक की धारा चलती रही। इसके हिसाब से निर्गुण और भक्ति धारा 200 साल तक चलती रही। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर चली तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही। यह बात कही गई है निर्गुण भक्ति धारा के द्वारा। निर्गुण भक्ति धारा में दो चीजों का सामंजस्य था, भारतीय ब्रह्म ज्ञान का और योग साधना का और सूफियों के प्रेम तत्व का, और यह सगुण का खंडन मंडन ये लोग करते रहते थे। इस शाखा को कहा जाता है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। इनकी रचनाएं साहित्यिक नहीं है, इनके हिसाब से इनकी रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है। छोटे छोटे दोहे मिलते हैं, पद मिलते हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। ये टिप्पणी वो कर रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा के काव्य पर। कबीर आदि एक दो प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में, तो यहां पर इनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको आलोचना कर रहे हैं कि ये जो है ना निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि एक दो ज्ञानी लोग को छोड़ दें, कबीर जैसे जो प्रतिभा संपन्न जो कवि थे, बाकी कवि थे, सुनी सुनी बातों को अपनी भाषा में वो लोग कह रहे थे, उसका रिपीट कर रहे थे और हठयोग की बातों को भी उल्टा पुल्टा ढंग से लोगों को बता रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था। और इस पद जिसको उन्होंने कहा है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी ना नया आकर्षण, लेकिन जो शिक्षित जनता थी पढ़ी लिखी जनता थी उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि पुरानी बातों को ये दोहरा रहे हैं, इनमें कुछ नयापन नहीं है। और इनका असर किस पर था, जो नीची जाति के लोग थे या फिर कम पढ़े लिखे लोग थे उन पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि ऊंच नीच छुआछूत की भावना थी, उससे भी लोग परेशान थे और कम पढ़े लिखे थे जल्दी से किसी प्रभाव में आ जाते थे। इसलिए संस्कृत बुद्धि संस्कृत हृदय संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बहुत बड़ा भारी उपकार है। मतलब जो निर्गुण भक्ति धारा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा जो निम्न श्रेणी की जनता थी या फिर जो कम पढ़ी लिखी जनता थी, और इस पर इनका बहुत ज्यादा उपकार है। लेकिन जो पढ़ी लिखी जनता थी जो संस्कृत जानती थी संस्कृत साहित्य जो पढ़ी लिखी थी, तो इनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था निर्गुण भक्ति धारा का। तो निर्गुण भक्ति धारा के तो ज्ञान से ही शाखा हो गया। संत काव्य धारा के बारे में बात हो रही थी, ये जो ऊपर में मैंने बात कही है संत काव्य धारा के बारे में, और जो दूसरी शाखा थी निर्गुण की वह कौन सी थी, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है दूसरी शाखा, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध साहित्य का दर्जा दिया है, सूफी कवियों की जो प्रेम मार्गी शाखा थी उसको, जिसके जो प्रमुख और प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनके पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन्होंने प्रेम मार्ग के द्वारा लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की जाती है, मतलब लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई है सूफी काव्यधारा में। और सूफी जो कवि हैं उन्होंने अधिकांश पूर्वी भाषा में अर्थात अवधी भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। और ये किस में लिखते थे, चौपाई और दोहा के रूप में लिखते थे, पांच सात चौपाई उसके बाद दोहा, और इसी शैली का प्रयोग क्या बोलते हैं तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है चौपाई और दोहा का। तो जो सूफी कवि थे इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। सूफी कवि आत्मा को प्रियतमा मानते हैं, प्रेमिका मानते हैं, और ईश्वर को क्या मानते हैं, ईश्वर को प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं। अलौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की इन्होंने व्यवस्था की है जो इनके प्रियतम ईश्वर से मिलाता है। सूफी कवियों ने जो कहानियां ली, सूफी कवि अधिकांश मुसलमान थे, और सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। तो इनकी कहानियां कोई मौलिक कहानियां नहीं है, इनकी कहानियां पहले से हिंदू घरों में सुनी और सुनाई जाती थी, उन्हीं कहानियों को इन्होंने अपने तरीके से सूफी तत्व उसमें डालकर उसमें उन्होंने अपने काव्य का निर्माण कर लिया है। इन कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है, मतलब हिंदू घरों में जो कहानियां थी या हिंदू की जो कथा कहानियां थी उनको इन्होंने ले लिया है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। हिंदू प्रेम कहानियों की क्या विशेषता है कि जो सृष्टि है जो संसार है वह हमारे मन की भावनाओं के अनुसार उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति खुश है तो उसको पूरा संसार हंसता हुआ दिखाई देता है, यदि वह दुखी है तो पूरा संसार रोता हुआ दिखाई देता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके प्रति प्रेम की भावना है। और जो हमारी हिंदू कथा कहानियों में आपने देखा है पौधे भी बात करते हैं, पेड़ भी, पशु पक्षी सब बात करते हैं, पेड़ पौधे सब है।
हिंदी प्रेम कहानी की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, हिंदी कहानियों में मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, यह बात कहानियों में मिलती है। जिसे बोलने वाला तोता मैंने आपने सुना होगा, तो हिंदू घरों में जो कथा कहानियां थी उनमें यह सब बातें सुनने को मिलती थी। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज आ रही है, एक बात, दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे और चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। तो कवि ईश्वरदास की बहुत प्रसिद्ध कृति है सत्यवती कथा, यह दोहा और चौपाई में लिखी गई है, और इसका आरंभ कैसे होता है, व्यास जी और जन्मेजय का जो संवाद होता है जैसे पौराणिक कथा कहानियों में सुनते हैं वैसे इसकी शुरुआत होती है, और इसका बहुत ही महत्व है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। ईश्वरदास की सत्यवती कथा में पांच पांच चौपाइयों का समूह को कहा गया है, अर्धालियों पर एक दोहा है, पांच चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है, टोटल 58 दोहे हैं। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ होती है, तो ईश्वरदास की कृत सत्यवती कथा की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है, जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है, ठेठ अवधि है, बाटे हुए का प्रयोग जगह जगह है, और यही अवधी भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। तो देखिए क्या ईश्वरदास तो भारतीय कवि थे, हिंदू कवि थे, लेकिन इनके ही परंपरा का अनुकरण इन्होंने किया है, सूफी कवियों ने किया, और इन्होंने अवधी भाषा में लिखा सूफी कवियों ने, और चौपाई और दोहे का जो क्रम है और जो कहानी है इसी परंपरा में उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार उन्होंने बता दिया कि जो सूफी काव्य है किस पर आधारित है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा के पैटर्न पर है। आख्यान मतलब जो पुराने कथा कहानियां हैं, काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शती के जैन चरित काव्यों में मिलती है, मतलब 11वीं शती का जो विक्रम संवत जो है 11वीं शती के जैन धर्म के जो चरित काव्य थे, विभिन्न जो उनके पौराणिक चरित्र हुए थे उनके ऊपर जो उन्होंने लिखा है काव्य, उसमें यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही थी चौपाई और दोहे की, जैसे महापुराण वगैरह है या फिर और कुछ है। सूफियों के प्रेम संबंध में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। तो वास्तव में जो सूफी कवि थे वो बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे, तो इसमें किसी दूसरे धर्म के प्रति कुछ बात बोला या फिर सगुण भक्ति का विरोध करना ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ प्रेम के गीत गाते थे, है ना, रोमांस के गीत गाते थे, इसलिए इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमान दोनों पर बराबर रूप से पड़ता है। किसी की आलोचना नहीं करते थे, किसी को डांटते फटकारते नहीं थे, किसी का विरोध नहीं करते थे, प्रेम ही प्रेम था, रोमांस ही रोमांस था, इसलिए इसका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों दोनों पर पड़ता है। शुद्ध प्रेम मार्ग के सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ज्यादा यहां पर इसका प्रशंसा किया हुआ है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने, मतलब सूफी संप्रदाय के जितने भी कवि हुए थे, उन्होंने प्रेम मार्गी जो कवि थे उन्होंने, सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया है, मतलब जितने भी जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है, बाद में इसी अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन जितने भी सूफी कवि हैं तो उनके जो हमको जो मलिक मोहम्मद जायसी की परंपरा में जितने भी सूफी कवि आते हैं उन्होंने जो अपने सूफियाना जो काव्य लिखा है वो किसमें लिखा है, अवधि भाषा में लिखा है, दोहा चौपाई में लिखा है, बाद में तुलसीदास जी ने अपना महाकाव्य लिखा था। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहां उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है, मतलब जब यहां पर सूफी लोग भारत में आए, सूफी तो मुसलमान थे, मुसलमान कवि थे, जब वो भारत में आए तो उनका उनकी रहस्यवाद कौन सी थी, भावनात्मक रहस्यवाद थी, प्रेम की पीड़ थी, उसमें प्रेम की पीड़ा थी, लेकिन यहां पर उनको क्या मिला, साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिला सिद्धोनाथों इत्यादि में, तांत्रिकों में मिला। तो ये कोई एक कृति है इस समय की जो प्रसिद्ध कृति है रसेश्वर दर्शन, इसका उल्लेख कहां मिलता है, सर्व दर्शन संग्रह में है, ये उतनी कोई खास बात नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है, तो कहीं कहीं उन्होंने नाथों का जो हठ योग होता है उसको भी जायसी और अन्य सूफी कवियों ने स्थान दिया है, और कुछ रसायन की बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। अब रसायन क्या है तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या है। तो इस प्रकार आप लोगों ने भक्ति काव्यधारा की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर जरूर बताएं, और यहां तक देखते हुए आए हैं मतलब आपको निश्चित रूप से बहुत ही धैर्य रखा है आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।